तो गाइस आ चुके हो फ्रेश वीडियो के साथ। मैं आया हूँ पोचंकी। एक भाई ने कमेंट किया था कि आप पोचंकी नहीं आते हो। मैं दो तीन दिन से पोचंकी आ रहा हूँ मगर बंदे नहीं आ रहे। और भाई अभी इस वाले गेम प्ले में भी बंदे नहीं आए थे। जो गिने चुने बंदे थे उन्हें जल्दी मार के और चलते कहीं और बंदे मारने। सो गाइस मुझे पोचंकी में मिल जाता है उतरते के साथ यूजी और शॉर्ट गन, और दोनों ही गन क्लोज रेंज में बीस्ट गन है। और फिर फटाफट यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट करता हूँ और फिर मुझे आगे के साइड से कुछ फुट स्टेप आते तो उन्हें पहले मारना होगा। तो फिर मैं आ जाता हूँ इस वाले घर में और मुझे यहाँ पे मिलती है एक एकेएम, और फिर आगे एक बोट नज़र आता है जो कि मैं उसे मार देता हूँ। कीड़ी की देवता को जैसे ही मार के जाता हूँ लूटने के लिए, तुरंत मुझे एक साइड से लेफ्ट साइड से आती है साउंड। तो मैं लूटने से पहले जाता हूँ उस बंदे को मारने, क्योंकि भाई वो कभी भी, क्योंकि सोलो में कहीं से भी पड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे हर चप्पे चप्पे जगह बंदा एक रहता ही रहता है और वो भी बिना फुट स्टेप किए। तो आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कभी भी किसी घर पे पुश करते हैं तो उससे आपको पहले देखना है बंदा है कहाँ। और जस्ट आप देखो यहाँ पे कुछ डैमेज दिया उसे। वो बंदा पीछे भाग जाता है और मैं उसका फुटप्रिंट का फॉलो करते हुए उसे मारने के लिए जाता हूँ। सो गाइस मैं अगेन इसी वाले घर में आ जाता हूँ, क्योंकि सामने वाले घर में बंदा होता है। मैं सोचता हूँ यहाँ से एंगल एंगल बना लूँगा और मगर बनता नहीं है, तो मुझे पता पड़ जाता है रश करके ही मारना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं पहले चेक करते हुए जाता हूँ कि बंदा है कहाँ, और फिर मुझे उसका फुटप्रिंट पता पड़ जाता है कि है कहाँ। अब जस्ट आप देखो तो भैया, इन वाले भैया को भी मारने के बाद हम फटाफट थोड़ा लूट वूट कर लेते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं हील विल, क्योंकि 1v1 जब फाइट होती है सोलो में तो भाई मेरे 30% ही कि मैं उस वाले एनिमी को मार दूंगा और उसका 70% है कि वो मुझे मार देगा, क्योंकि मुझ पे हेल्थ नहीं है। तो मैं फटाफट हेल्थ लगाता हूँ और फिर मुझे एक इस वाले घर में कीड़ी के देवता सो रहे होते हैं और इन्हें भी कुछ लूट की ज़रूरत थी, और इन्हें भी लूट मारने के बाद फटाफट लूट लेता हूँ। और आप पूछोगे कि एकेएम क्यों हटा दी। भाई मैंने एकेएम इसलिए हटाई क्योंकि आपको पता है कि एकेएम कितनी ज़्यादा रिकॉइल करती है, और M416 है लॉन्ग रेंज और मिड रेंज के लिए बीस्ट गन है। तो इस वजह से मैंने M416 उठा लिया, और क्लोज रेंज में एकेएम काफ़ी मतलब बीस्ट गन है, तो मुझ पर क्लोज रेंज के लिए यूज ही है ही, तो मैं एकेएम क्यों लूँ, क्योंकि भाई मुझ पर यूज ही है ही, आपको पता है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ एक बीड़े भाई की स्कूटर लेने, और जब यहाँ से मैं जा रहा होता हूँ तो एक आगे से आती है USZ। जस्ट आप देखो, पहले तो वो बंदा सोचता है कि ठोक दूंगा, मगर भाई मुझे पता है कि बीड़े भाई की स्कूटर ज़्यादा रिकॉइल कर जाएगी, इस वजह से भाई मैं उसे साइड में लगा देता हूँ। और पहले मुझे लगता है कि वो मुझ पर पुश करेगा, और वो तो गाड़ी ही लेके आता है। सो गाइस इस बंदे के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, तो इस वजह से मैं फटाफट और जल्दी से इसे बंदे को उतार देता हूँ, क्योंकि भाई ये मुझे गाड़ी से कुचलने के लिए आ रहा था। और तो गाइस आपको ये वाला किल अच्छा लगा तो आप जस्ट वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और आपको ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, इससे हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और तो गाइस हम यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ स्क्वाड हाउस चेक कर लूँ, और फिर मुझे एक आप अगर एक आपको आइडिया बता रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा किल निकालने ना तो आप बाइक ले लो। क्यों? क्योंकि भाई बाइक एक तो ज़्यादा इसमें फ्यूल कम लगता है और ज़्यादा तेज़ भागती है और व्हीकल के मुकाबले और व्हीकलों के मुकाबले। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाइक लो अगर आपको ज़्यादा किल निकालने। और जब मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ तो एक बंदा बोट फायर कर रहा होता है, और फिर भाई मेरे को जब पता, पहले लोकेशन चेक करता हूँ बंदा मार कहाँ से रहा है। तो फिर यहाँ पे जो एक नया इवेंट सा आया है वहीं पे रहता है बंदा, मतलब उसने दो तीन बंदों को मारा होता है। तो
अब देखो वो उसमें ज़्यादा चोर होती है। ये बंदा बीलक क्लैन का नाम लगा के घूम रहा था और मुझे कंफर्म नहीं है कि ये बीलक क्लैन का है या नहीं था। आप बताना गाइज कि ये बीलक क्लैन के हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। और तो गाइज थोड़ा बहुत लूट करने के बाद फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा पेन किलर लगा लूँ, थोड़ा बूस्ट वूस्ट कर लूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि जाने से पहले एक और बूस्टर लगा लूँ ताकि मतलब मेरी हेल्थ ज़्यादा फुल रहे। और जब मैं दूसरा पेन किलर लगा ही रहता हूँ तभी मुझे एक बीड़े भाई की स्कूटर नजर आया। यहाँ पे मैंने काफ़ी डैमेज दे दिया था और आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक सीखने को मिलेगी। जैसे बंदे को आपने किसी को डैमेज दिया तुरंत नेट फेंको, आप जस्ट देखो। मैंने तो पहले सोचा था कि लगता है पहले नेट में नहीं जाएगा मगर पहले ही नेट में चला जाता है, तो आपको इससे ये पता पड़ता है आप किसी को भी डैमेज दे दो तो वो पक्का है कि पहले हील जरूर लगाएगा, तो उससे पहले आप नेट खींच लो ताकि वो हील लगाने से पहले फट जाए। तो खैर अब उस वाले बंदे को मारने के बाद मैं जाता हूँ रोजो की पहाड़ी पे भी, और रोजो की पहाड़ी पे भी एक भी कोई भी मतलब रोजो में बंदा ही नहीं होता, एक भी बंदा नहीं होता। वैसे कहते हैं कि बहुत बंदे आते हैं मतलब एक भी बंदा नहीं रहता रोजो में। तो फिर रोजो को भी देखने के बाद सो गाइस मैं एक आ जाता हूँ एक एयर ड्रॉप पे, और पहले तो लग रहा था सब चीज़ नॉर्मल है भाई, मैंने यहाँ पे 2-3 चक्कर मारे सब चीज़ नॉर्मल नज़र आ रहा था, और आपको भी वीडियो में नॉर्मल नज़र आ रहा होगा और आपको सोच नहीं सकते कि बंदा कहाँ लेटा हो सकता है। मैं सोचता हूँ पहले ड्रॉप लूट लूँ, क्या पता कोई अच्छी गन मिल जाए, और इसमें एक अच्छी गन भी होती है, और जैसे मैं वो अच्छी गन उठाता हूँ ना तभी देखो क्या ही गंदा फायर होता है। अगर मैंने तुरंत रिएक्ट नहीं किया होता ना तो भाई, और मेरे साइड से लेफ्ट साइड से एक कार भी आ जाती है। कार वाले भैया को मारने के बाद अब बारी थी सामने वाले की। मुझे भाई कोई आइडिया नहीं दिया बंदा कब से लेटा हुआ था, क्योंकि भाई एक तो ना ही इसने ड्रॉप लूटा था जब मैं इसे गाड़ी घुमा भी रहा था ना पहले फायर किया, जब मैं ड्रॉप में MK उठा लिया तब जाके उसने फायर किया, भाई बहुत सोचने वाली बात है। और फिर तो खैर उस वाले बंदे को भी मारने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और मुझे एक यहाँ पे सोते एक कीड़ी के देवता जो कि मैं उन्हें गाड़ी से ही कुचल देता हूँ। तो फिर गाड़ी से कुचलने के बाद आ जाता हूँ फिर यहाँ पे, और यहाँ पे एक मुझे सोती एक बगी, और बगी लगाई होती है ऐसे मतलब लगाया होता है कि लगता है बंदा सोचेगा कि इन्हीं आसपास घरों में होगा, मुझे पता रहता है कि वो लाल वाले घर में क्योंकि उसका थोड़ा जो गन होता है ना वो दिख गया था मुझे। तो भाई मैं यहाँ पे उतरता हूँ और देखो क्या ही मैं नेट बरसाता हूँ, पत्थर जो होते हैं ना पत्थर उसकी तरह बरसाता हूँ। देखो एक अंदर फेंका और फिर एक साइड में फेंका और इधर भी फेंका। मैं सोचा था अगर इधर हुआ तो इधर मर जाएगा, बीच में हो तो बीच में मर जाएगा, साइड में हो तो साइड में मर, पूरे के पूरे 4 नेट फेंके भाई। और मुझे ये नहीं पता पड़ा कि बंदा सर्वाइव कैसे कर गया नेट में भी वो भी। तो मेरे को पता पड़ गया तब घुस के ही मारना पड़ेगा। तो गाइस मुझे इतना पक्का पता था कि ये बंदा नेट से डैमेज जरूर हुआ होगा, क्योंकि भाई नेट से नहीं ठेला तो कोई नहीं मगर नेट से डैमेज जरूर हुआ होगा। तो इस वजह से मैं अंधा रस कर जाता हूँ तो और इजीली इस बंदे को मार भी देता हूँ। तो फिर मैं आ जाता हूँ इस ड्रॉप पे, तभी मुझे एक और बगी वाला दिखता है। अब जस्ट आप देखो कि इस बंदे को कैसे भी, अब उसे भी ड्रॉप लूटना है मुझे भी ड्रॉप लूटना है, तो जस्ट आप देखो कि इस बगी वाले को कैसे मारते हैं। सुजी झोल सोचते हैं कि भाई सस्ते स्प्रे से मैं बच गया, फिर मैं सोचता हूँ कि इन्हें थोड़ा महंगा यानी एडवांस स्प्रे दिखाया जाए, तो उनमें ठिल जाते हैं। तो अब का ही बताएं, अब इन्हें भी लूटने के बाद जल्दी जल्दी फिर चलते हैं यहाँ से और बंदे मारने। सो गाइस सुजी झोल जी पे टाइम वेस्ट करने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे, तभी मुझे दिखती है एक बकवासी बगी जो कि ड्राइवर नशा करके चल रहा होता है। अब जस्ट आप देखो। सो गाइज मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ, फ्री फायर कभी भी आपके हाथ में MK हो आप फ्री फायर कभी न दो, क्योंकि भाई 20 बुलेट्स होती है, आपको पता है MK की कितनी ज़्यादा फायर रेट है। तो इस वजह से भाई कभी भी मतलब फ्री फायर तो करना भी ना, और जब भी फ्री फायर करना तो जब लगे कि ठिला दूंगा उसे। तो फिर मैं आ जाता हूँ एक सैक में और सोचता हूँ हील लगा लूँ,
भाई ना ही कोई फुट स्टेप, ना ही कोई साउंड, मैं तो बस जस्ट हील लगाने के लिए आया था। ये बंदा कहाँ से प्रकट हो गया एंड वक्त पे। तो खैर इस वाले बंदे मतलब नशा फूक के बैठा हुआ था, तो इस वाले बंदे को भी मारने के बाद फिर गाड़ी उठाता हूँ, जाता हूँ और बंदे को मारने। खैर तो इस वाले बंदे को मारने के बाद जैसे ही मैं जा रहा होता तो एक बंदा मुझे देख के तुरंत लेट जाता और वो लगाता है 3rd class IQ। ये बंदा सोचा था कि भाई मैं दिखाई नहीं हूँ और मैं तुरंत लेट जाऊँगा। मतलब नहीं भाई, ऐसा नहीं ना होता है कि आप मेरे सामने लेट जाओगे और दिखेंगे नहीं। तो खैर तो उस वाले बंदे को मारने के बाद मेरे सामने से जस्ट गुजरते एक यूएजेड और एक सामने जस्ट बंदा होता जो कि मुझे काफ़ी डैमेज दे रहा होता। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने गाड़ी उस पर पूरी चढ़ाई दी थी ऑलमोस्ट, मगर बच कैसे गया। ये बंदा भाई मुझे ऑलमोस्ट खा ही चुका था। तो मैं यहाँ पे फटाफट मैं हील लगाता हूँ और भाई वो मेरी गाड़ी को फोड़ने पे लग जाता है, दबा दब गोली मारता है। मतलब कितनी एमओ रख रखी थी उसने। भाई मेरे को भी अपनी गाड़ी फोड़नी पड़ी, क्योंकि भाई अगर नहीं फोड़ता तो पेटी गाड़ी ही मेरी बना देती। और भाई मैं यहाँ से पीक लेके देखता हूँ, एंगल बनाता हूँ कि बंदा है कहाँ। और फिर भाई वो मुझे सैक में थोड़ी बहुत मुंडी उंडी दिखाता है। फिर मैं कहता हूँ कि पहले ड्रिंक लगा लूँ एक और फिर उसके बाद मैं इसे। अब देखो भाई मुंडी दिखाएगा तो जाएगा तू, मुंडी दिखाएगा तो जाएगा। जी हाँ भाई, मुंडी नहीं दिखनी चाहिए। सैक में यही प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपका हेड सिर्फ दिखता है, तो हेड पे आपको पता है कितना डैमेज पड़ता है। तो इस वाले पेटी को भी लूटने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ इधर, क्योंकि एक होता है बंदा जो मेरे सामने से यूएजेड जो कि निकला होता, आपको याद होगा जो पहले निकल के गया था, और वो चला रहा होता है AWM। और इसमें इतनी चोर थी अब विश्वास नहीं करो, मैंने अभी गाड़ी रोके वो फट से कूद जाता है, सोचता है इसे पहले पेटी बनाऊंगा। अब देखो भाई MK के सामने ज़्यादा चोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि MK ना कि 20 बुलेट आपके हेड में दाग दिया ना तो भाई जल्दी पेटी बन जाएगी। तो खैर यहाँ पे उसे लूटने के बाद जब मैं जा ही रहा होता हूँ तो एक और बंदा सो होता है। आप बताना गाइज, मेरी पूरी गाड़ी ठीक थी और इसमें से धुआं निकाल देता है, ये बोट जैसा नज़र आ रहा था या बोट ही था। इतना ज़्यादा डैमेज देने लगे आजकल बोट की गाड़ी फाड़ देते हैं। तो खैर मैं फिर गाड़ी, अब बचा था सिर्फ जोन में एक बंदा और अब उसे मैं ढूंढने पे लग जाता हूँ बंदा है कहाँ। तो गाइज मैं काफ़ी देर से गाड़ी घुमा ही रहा होता हूँ और यहाँ पे सो होता है आखिरी वाला बंदा। जस्ट आप देखो इसे कैसे मारते हैं। ये बंदे लेटे हुए, मतलब ये भाई लेटे हुए होते हैं और इनकी हेड पे गोली पड़ जाती है। तो भाई इन्हें कहना चाहता हूँ थोड़ा कष्ट कर लिया करो उठने की। तो खैर हमारा हो जाते हैं ये विनर चिकन डिनर। तो आप बताना गाइज आपको कैसा लगा गेम प्ले, और आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तो थैंक यू सो मच गाइज कि मेरे 1500 सब्सक्राइबर कराने के लिए, और अब मैं नेक्स्ट टाइम रखना चाहता हूँ 2000 का। मुझे पता है कि आप करा दोगे और शायद से मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से पहले ही आप करा दोगे। सो गाइज अपना सपोर्ट बनाए रखना है ऐसी। और अब बात कर लेते हैं शाउट आउट के बारे में। और तो पहला शाउट आउट है हमारा विक्रम YT ब्रो को, तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो पे फर्स्ट कमेंट करने के लिए। और सेकंड कमेंट की बात करें तो सेकंड कमेंट है हमारा राहुल भाई का, तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो पे सेकंड कमेंट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं थर्ड कमेंट की, तो थर्ड कमेंट है लोट्स गेमर, तो थैंक यू सो मच हमारे पे थर्ड कमेंट करने के लिए। और जितने भी हमारे मतलब व्यूवर हैं तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर तो आपको भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो मेरी इस वाली वीडियो में फर्स्ट 3 कमेंट कीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर दे पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इसमें से कुछ भी आपको वीडियो का अच्छा लगा पार्ट। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।